हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूँ। तो यार, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नई न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लेकिन यार, एक शिकायत है कि कोई 95% लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते। तो यार, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट वगैरह में भी बता दिया करो कि सब्सक्राइब कर दिया और सब्सक्राइब कर भी दिया करो। इसी के साथ साथ आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो माँ सफदर के बारे में। तो माँ सफदर पिछले कुछ 2-3 दिनों से अपने चैनल पे ब्लॉग वगैरह अपलोड कर रहे हैं, जिसमें वो गेमिंग सेटअप तैयार कर रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए, हुसैन के लिए। तो हो सकता है कि उनके हुसैन भाई का जो है वो एक गेमिंग चैनल आ जाए कुछ दिनों में। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बकाया मैं मास्क के ब्लॉग का वो आपको पार्ट दिखा देता हूं, और आपको मास्क का अगर पूरा ब्लॉग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूज़ में ये सारे यूज़ में। चलो चलो आगे चलो। भाईजान पहुंच गया है दुकान के ऊपर, देखना है कि कौन सा सीपीयू चाहिए कौन सा नहीं। तेरे को सब पता है ना, कहीं उल्टा ना लगवा दियो। बताओ, गेमिंग पीसी के लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है 20 GB का। 20 GB का ग्राफिक कार्ड, रैम चाहिए होती है। अबे भाई, जीबी होती ही नहीं है ग्राफिक कार्ड में। जीबी नहीं होती ना भाई ग्राफिक कार्ड में? नहीं नहीं, जीबी नहीं होती, एमबी होती है। एमबी होती है यार, देखो एमबी छोटा खराब बन गया ना, मसला हो जाएगा। जी को बनवा के दे देंगे, यही काम करेगा। 5:30 हो चुके हैं, हमने 2-2.5-3 घंटे क्या किया? हमने ऑफ कैमरा सिर्फ और सिर्फ पीसी की डिटेलिंग ली और सीपीयू की डिटेलिंग ली, जितने भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह हैं और रैम वगैरह और मदरबोर्ड वगैरह और ये कोर पता नहीं क्या क्या सीपीयू ये वो, इसमें हमें लग गए 3 घंटे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, सब ले लिया सब ले लिया। बस आपको अब देना छोटा सा रिव्यू। सारा सामान यहाँ पर आते जाएगा और हम देते जाएंगे ये क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, ताकि जो टेक वाले हैं उनको भी समझ आए। बिगनर के लिए तो फिलहाल नहीं बनाया हमने, ये बहुत अच्छा पीसी बनाया है, तो आप सुनेंगे ना पता लग जाएगा। इसके साथ साथ हमारी जो अगली न्यूज़ है वो राहिम परदेसी के बारे में। तो राहिम परदेसी का जो बुल्ला शो था वो रिलीज़ हो चुका है। तो उसके पहले एपिसोड में डक्की भाई और राहिम परदेसी के साथ साथ रजा सम्मो का भी जो सीन था वो भी पहले एपिसोड में दिखाया गया, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा एपिसोड देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यार बात अगर राहिम परदेसी की चल रही है तो इनके इसी सीरीज पर इंस्पेक्टर बुल्ला पर इमरान अशरफ जो पाकिस्तानी एक मायानाज एक्टर हैं उन्होंने, और साथ साथ बिलाल सईद जो एक सिंगर हैं उन्होंने भी अपने व्यूज़ वगैरह दिए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्पेक्टर बुल्ला साहब, साढ़े इलाके च कि आ गए हो? यह तो इमरान अशरफ साहब का इलाका है। बुल्ला इत बड़ा हार्ड है, दिन वंडरफुल टैलेंट सर, वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल परफॉर्मर। मैंने प्रोमो देखे हैं, मैंने गाना देखा है। बुल्ला जी, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ आपसे। नहीं जी, आपने इनको इंप्रेस कर दिया, तो मैं तो तुम्हें पता ऑलरेडी थोड़े को बहुत इंप्रेस हाँ। So everybody get ready, Bulla is on its way. इसी के साथ साथ तो हमारी जो अगली न्यूज़ है वो जैद अली टी और शाबिर जाफरी के बारे में। तो शाबिर जाफरी और जैद अली टी की मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई है, जिसके बारे में उन्होंने एक व्लॉग भी अपलोड किया है। तो वो व्लॉग का मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ जब उनकी मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई। बकाया अगर आपको पूरा व्लॉग देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको मौलाना को वेट होता था कि पूछते थे वो यारों को, हमारे ना पंजाबी में बात करते हैं, वो यार को जैद दी वीडियो आई है कि नहीं आई? यकीन माने ये मैं कोई आपके सामने नहीं कह रहा, लिटरली कहते थे वो जैद दी वीडियो आई है कि नहीं आई। तो फिर तो जब उनको पता चला पाए हुए पाकिस्तान में, तो देखा नहीं उन्हें कैसे आपको ढूंढा और बुलवाया? सर ऐसा होता नहीं है, वो तो मतलब इतना बिजी बंदे और इतना दिमाग, वो नहीं ऐसे होता ना। लेकिन वो जैद भाई पसंद इतने आ गए ना कि यार ये बंदा कितना बच्चा हंसाता है कितना और कितनी इफेक्ट लाता है। आपकी तबीयत कैसी है? ये बाबा शाबिर हैं। कौन शाबिर हैं? आपकी पहले मुलाकात नहीं है, तारुफ नहीं है, लेकिन ये जैद भाई और ये सेम फील्ड में सेम काम में। अभी तो आए हुए 2 हफ्ते हो गए, ये इतने पार्टी पतलून क्यों पहने? ये खुद ये बाद में फट गई थी, पहले जब खरीदी थी तब सही थी। तो यार आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको इस तरीके का इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और बताएं कि इस तरीके के कंटेंट को कंटिन्यू रखूं या नहीं, और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।